शुगर कंपनियों के दिन अच्छे चल रहे हैं। लिस्टेड शुगर कंपनियों में पैसा लगाने वालों की तो जिंदगी में जैसे खूब मिठास घुल गई है। इन शुगर कंपनियों के शेयरधारकों की इन दिनों चांदी चल रही है। हाल के वक्त में इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न भी मिला है, और ऐसा नहीं है कि बात यहीं रुक गई हो, बल्कि ये स्टॉक्स अभी भी तेजी का फर्राटा भर रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि शुगर स्टॉक्स में लगातार उछाल आ रहा है, तो इसकी वजह एक सरकारी फैसला है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल में ही ऐलान किया कि वो मौजूदा 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए शुगर एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाने पर जनवरी में विचार कर सकती है। इस फैसले को लेने से पहले सरकार हालांकि देश में शुगर प्रोडक्शन के आंकड़े देखेगी। नवंबर में सरकार ने 2022-23 मार्केटिंग ईयर यानी अक्टूबर से सितंबर के लिए 60 लाख टन शुगर के एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी ISMA ने कहा है कि इस साल 15 दिसंबर तक देश का शुगर प्रोडक्शन 82.1 लाख टन रहा, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 5.1% ज्यादा है। शुगर सीजन 2022-23 में 15 दिसंबर तक देश में 82.1 लाख टन चीनी पैदा हुई है। एक साल पहले इसी अवधि में 77.9 टन शुगर प्रोडक्शन हुआ था, यानी पिछले साल के मुकाबले इस दफा 4 लाख टन ज्यादा चीनी पैदा हुई है। शुगर मार्केटिंग ईयर 2021-22 में भारत से रिकॉर्ड 111 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हुआ है। तो शुगर पर सरकार के एक्सपोर्ट को इजाजत देने के संभावित फैसले और बढ़िया प्रोडक्शन डेटा ने इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में मिठास घोल दी है। यहाँ हम 5 शुगर स्टॉक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके शेयरों में पिछले कुछ वक्त में तूफानी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं शुगर स्टॉक के एक बेहतरीन स्टॉक की। कंपनी का नाम है राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स। सोमवार यानी 19 दिसंबर को इसके शेयर ने तहलका मचा दिया। राजश्री शुगर्स के शेयर में लग गया 20% का अपर सर्किट और शेयर पहुंच गया 66.65 रुपए के करीब। मतलब इस शेयर में एक ही दिन में इन्वेस्टर्स ने 20% की मोटी मलाई काट ली। गुजरे 5 दिन में ही इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने 52% का दमदार रिटर्न दिया। आपके लगाए 1 लाख रुपए बस 5 दिन में ही 1.52 लाख रुपए में तब्दील हो गए। 1 महीने में इस शेयर ने 62% का रिटर्न दिया। इस शेयर ने बस 6 महीने में ही अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया। इस दौरान इस शेयर ने 123% का रिटर्न दिया। मतलब कि 6 महीने पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा 2,23,000 रुपए में तब्दील हो चुका होता। अब ऐसा रिटर्न कहाँ मिलेगा भाई? ऊंची महंगाई के दौर में अगर आपका पैसा 6 महीने में डबल हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। एक साल में इस शेयर ने 95.74% का तगड़ा रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है सिंभावली शुगर। सोमवार यानी 19 दिसंबर को संभावली शुगर्स में भी अपर सर्किट लग गया। इसके शेयर 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। दाम हो गया 33.05 रुपए। 5 दिन में ही इसने करीब 42% रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने 62% रिटर्न दिया और 6 महीने में 55% और 1 साल में 78% से ज्यादा का रिटर्न इस शुगर कंपनी ने इन्वेस्टर्स को दे दिया। अब बात करते हैं शक्ति शुगर्स की। इसका शेयर सोमवार यानी 19 दिसंबर को 16.03% चढ़ा है। ये शेयर 33.30 रुपए पर पहुंच गया है। सुबह के कारोबार में तो इस शेयर में अपर सर्किट तक लग गया था और ये 34.55 रुपए प्रति शेयर के दाम पर पहुंच गया था। बीते 5 दिन में ही ये शेयर 43% चढ़ गया है। 1 महीने में इस शेयर ने 55.19% रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने 19 नवंबर को इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसका पैसा 1,55,000 रुपए हो गया होता। मतलब पैसा 1.5 गुना हो जाता। इतना ही नहीं, इस शेयर ने निवेशकों को बस 6 महीने में 132% का रिटर्न दिया है। यानी 6 महीने में अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा 2,32,000 रुपए हो जाता। पिछले 1 साल में इस शेयर ने 135% का रिटर्न दिया है। मतलब ये शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है। अगला शुगर स्टॉक है ओरियंट ग्रीन पावर। सोमवार को ये शेयर 14.5% चढ़कर 12.65 रुपए पर पहुंच गया। बस 5 दिन में ही ये स्टॉक 34% चढ़ गया। इस स्टॉक में भी सिर्फ 1 महीने में ही पैसा 1.5 गुना हो गया। 1 महीने में इसने 53% रिटर्न दिया। 6 महीने में इसने 78% का तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया। हालांकि 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टर्स को मामूली नुकसान हुआ। 1 साल में इसमें 0.39% का रिटर्न मिला है। अब बात करेंगे 5वें और आखिरी शुगर स्टॉक की, बात KCP शुगर कॉरपोरेशन की। ये शेयर सोमवार को 13.57% उछल कर 33.05 रुपए पर पहुंच गया। महज 5 दिन में ही इस स्टॉक ने 30% से ज्यादा का तगड़ा रिटर्न दे दिया। 1 महीने में इस शेयर ने 36% रिटर्न दिया है
और 6 महीने में इसने इन्वेस्टर्स को 74% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि 1 साल में इस शेयर ने 53% का उछाल दिखाया है। तो ये थे 5 ऐसे शुगर स्टॉक्स जिन्होंने इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में मिठास घोल दी है। हालांकि यहाँ इन्वेस्टर्स को किसी तरह की स्पेकुलेशन से बचने की ज़रूरत है। जिस तक आपको किसी भी शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है और आपको इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरे के बाद ही लेना चाहिए।